पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परमात्मा स्वयं आकर बता के गए थे 600 वर्ष पहले अपनी अमृत वाणी में, कबीर वाणी में, के चारों युग में हम आते हैं और अपनी प्यारी आत्माओं को ये यथार्थ ज्ञान सुनाते हैं और वो मुझसे प्राप्त ज्ञान को, मुझसे परिचित महापुरुष भी, मेरे संत इसी ज्ञान का आगे प्रचार करते हैं ढोल के डंके पर, जगह जगह जाकर सत्संग करते हैं। तो क्या बताते हैं, चारों युग में परमात्मा आते हैं। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में मेरे संत पुकारे, कोक कह हम हेल रे, ईरे माणिक मोती बरसे, यो जग चुगता डेल रे। परमात्मा ने कहा और मेरे से परिचित सब संत वो भी यही बता रहे हैं कि हम यथार्थ ज्ञान, यथार्थ वो भक्ति विधि बखेर रहे हैं, श्रेयाम आवाज लगाकर सुना रहे हैं। आप हमारे इस ज्ञान को ना सुनकर, जो हम सत साधना रूपी और सत ज्ञान रूपी हीरे और मोती आपके ऊपर बरसा रहे हैं, आपके सामने डाल रहे हैं, आप ठुकरा कर चल देते हो और आप आन उपासना करते हो अन्य देवताओं की, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है, जिसके विषय में श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में कहा गया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं अर्जुन, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी सिद्धि होती है और न ही उसको कोई गति होती है, व्यर्थ, यूजलेस। इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी भक्ति करनी चाहिए और ना करनी चाहिए, उसमें सदग्रंथ ही प्रमाण मानना, किसी के लोक वेद पर, दंत कथा पर विश्वास मत करना। तो जितने भी परमात्मा कहा करते थे कि तुम्हारे जो धर्म गुरु हैं, कबीर परमेश्वर जी कहा करते थे कि तुम्हारे जितने धर्म गुरु हैं ये गलत ज्ञान प्रचार कर रहे हैं, तुम्हें सत भक्ति नहीं बता पा रहे हैं और हम सत भक्ति बता रहे हैं, तुम इनको ठुकरा करके वो साधना कर रहे हो जो ना तुम्हें सुख दे कर सकती है, ना तुम्हारा भविष्य में आने वाले आपदाओं को नहीं डाल सकती है, आपके प्रारब्ध में आपकी किस्मत में जो लिखा है आपका कष्ट उसका निवारण नहीं कर सकते, तो वो आप डड़े ढो रहे हो, कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हो, उनको हीरे और मोती जान के वो तुम्हारी भारी भूल है। चारों युग में मेरे संत पुकारे, कोक कहा हम हेल रे, ईरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता डेल रे। कि हम सत साधना सत भक्ति रूपी हीरे मोती आपके ऊपर बरसा रहे हैं और आप फिर भी कंकर पत्थर यानी आन उपासना करने में लगे हुए हो, उन देवी देवताओं की पूजा करते हो जो तुम्हें कभी सुख नहीं दे सकते, वो स्वयं सुखी नहीं, उनका अस्थाई समय सबका सब नाशवान है, थिर पकड़ थिर रही है, समर्थ की शरण गह कर ही आप सुखी हो सकते हो। समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, वाई कदे न हो ऐ काज राम रंग होरी हो। कहते समर्थ की शरण पकड़ो, ग्रहण करो, फिर कभी भी आपके ऊपर कोई आपदा नहीं आवेगी यदि आप मर्यादा में रहोगे। पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने ना सुनिया। परमात्मा ओए होए कितने दुखी होकर कहते हैं कि तुम पर भी लेन जाते हो, वहां पर
कहीं पर कोई कुंभ का मेला लग जाता है उजोड़ में तालाब में, जिसमें गधे भी ना नहावे, बड़े पानी भी ना पी, और उसमें तुम नहाकर कल्याण समझते हो अपना। तुमसे पहले वह मछलियां मेंढक सभी विद्वान रहते हैं, उनका मोक्ष नहीं होता। अपने सदग्रंथों का आधार मान और संत महापुरुष जिनको भगवान मिले उनकी वाणी को आधार मान कर साधना कीजिए, तभी सफलता होगी। तो भगवान कहा करते कि पर भी लेण जात है दुनिया और हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिए। तो यहां क्या बताना चाहते हैं, भाई कच्छ मच्छ कूरम्ब ना होते दौल धरणी नहीं धानी, ये चंद सूरज दो दीपक ना थे, नहीं थे पवन और पानी, ब्रह्मा विष्णु महेश ना होते नहीं लक्ष्मी गौरज रानी, सावतरी नहीं सनकादिक तब होते अलख बिनानी। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं परमात्मा से प्राप्त उस यथार्थ ज्ञान के आधार से कि पहले सबसे पहले कुछ भी नहीं था, केवल एक परमात्मा था, और यही हमारे वेद बताते हैं और यही वो महापुरुष बताते हैं और यही परमात्मा स्वयं आकर ज्ञान देते हैं। हम ही अलख अला है कुतुब गोस और पीरे, गरीबदास खालिक धनी हमरा नाम कबीरे, ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमार तीर, दास गरीब ऊपर बसों अधर बसों अवगत सत कबीर। परमात्मा ने स्वयं भी अपनी महिमा बताने की चेष्टा की, पर हम बालक इतने हैं हम परमात्मा को पहचान नहीं सके, क्योंकि हम बाल बुद्धि बना दिए इन अज्ञानी संतों महंतों मंडलेश्वरों ने गुरुओं ने। अपनात्माओं सबसे पहले भगवान ने आपको शिक्षित किया और फिर इस ज्ञान को आप तक पहुंचाया। अब जितने भी आप यहाँ आए हो किसी भी धर्म मजहब से, सबसे पहले आपने ये ज्ञान सुना होगा तो बहुत बुरा लगा था, और आज आपको कैसा लग रहा है कि हे भगवान अगर पृथ्वी पर ज्ञान है तो ये है ना, सब अज्ञान भरा पड़ा है। तो काल ने इतना ज्ञान ठुकवा दिया हमारे परमात्मा के बच्चों में, ज्ञान से दूर भाग रहे, विरोध कर जाते हैं, अपना जीवन नाश कर लेते हैं। लेकिन इसलिए परमात्मा ने आपको शिक्षित बनाया, आज बूढ़े से लेकर बालक तक सबको अक्षर ज्ञान है। अगर मान ले कोई बुद्ध ग्रह भी राह की तक कोण में ना पड़ जाओ तो उसके पोता पोती और उसके बेटे सारे शिक्षित हो बैठ कर समझाओगे कि नहीं पिताजी ऐसे है, यह सही लिखा है इसमें, गीता से हमने मिला लिया, तो भी मान जाएगा। तो इसलिए मालिक ने यह समय सेलेक्ट किया था कि जो बिचली पीढ़ी आवेगी और कलयुग 5505 बीत जाएगा तब इस ज्ञान का हम ढोल के डंके पर प्रचार करेंगे और सब बच्चे मेरी शरण में आएंगे, सबका मोक्ष होगा। पूरे विश्व के बच्चे परमात्मा के ही बच्चे हैं, चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, हम एक पिता के बच्चे। हम अपनी गलती से अलग अलग हो गए, हमें ज्ञान ठीक ना मिलने से हम भिन्न भिन्न हो गए। परमात्मा का आदेश है इस ज्ञान को सुनकर सब फिर एक होंगे और सबका मोक्ष होगा। अपनात्माओं आपको कथा सुनाते हैं, परमात्मा जैसे परमात्मा की महिमा वेदों में लिखी है और विशेष वैसे तो पूरा विश्व वेदों के ज्ञान को नकारा नहीं करते, केवल एक पंथ है और उस पंथ की जो ब्रांचें हैं वो ही अपनी मंदबुद्धि के कारण ये कहते हैं कि हम वेदों और गीता को नहीं मानते। हमारे गुरुओं का ज्ञान तो वेदों और गीता से ऊपर का है। जब दास ने उस पंथ के यानी राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक श्री शिवदयाल जी महाराज आगरा के रहने वाले जो जिसे
राधा स्वामी पंथ चला बताते हैं, जो इनका प्रमुख है उसका ज्ञान पढ़ा और फिर वेदों से देखा, संतों की महापुरुषों की वाणी से देखा, उसने कख भी पता नहीं अध्यात्म मार्ग का। और उसके अनुयायी नो कहते हम तो वेदों को और गीता को नहीं मानते, हमारा ज्ञान तो इससे ऊपर का है। उसकी झलक आपको कई बार दिखा रखी है, फिर दिखाऊंगा। उन्हें सतनाम का पता नहीं, सतलोक का पता नहीं, वो कैसा है और वहां क्या सचिथि है, खाक है उनके पास ज्ञान। और इनमें से राधा स्वामी पंथ से ही कौन से पंथ निकले हैं, धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली और दनौद के अंदर ताराचंद, जय गुरुदेव मथुरा में ठाकुर जी एक हुए हैं वो राधा स्वामी के ही, और दिल्ली के अंदर सावन कृपाल मिशन, और भी नरे बहुत गने इनके पंथ। ये सारे समझो उसी कुएं का जल है जिसमें जल के स्थान पर कुछ भी नहीं है, खाली है, वो खारा पानी है, यो जलैस है, ये समझो। यानी उनका ज्ञान गलत है। विश्व में कोई भी किसी भी मजहब का आदमी वेदों और गीता को नकारता नहीं, सब मानते, विशेषकर हिंदू धर्म तो मानता ही मानता है। तो दास आप ये समझाना चाहेगा कि जब वेदों में जो ज्ञान लिखा है परमात्मा कैसा है, कहाँ रहता है, कौन है, कैसे मिलता है, तो फिर कम से कम हिंदू समाज ने पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो, कोई बालक नहीं बतेरे दिन बहका लिया इन हमारे को, तो आपने तो मानना ही पड़ेगा कि जो वेदों में परमात्मा की डेफिनेशन लिखी है, परमात्मा की महिमा लिखी है, उसकी परिभाषा लिखी है, वो सत्य है। तो वो किसके ऊपर खरी उतरती है, बस दो मिनट में फैसला हो जाएगा, हु इज गॉड, कौन है वो परमात्मा जिसके विषय में वेद गुण गाते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 82 का 1 2 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 96 के 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र नंबर 2 में, और भी अनेकों स्थानों पर इसमें क्या लिखा है कि वो कबीर देव, कबीर साहब, कबीर भगवान, वो ऊपर सतलोक में अमर लोक के तीसरे भाग में वहां बैठा है, सभी ब्रह्मांडों के ऊपर, भवनों सर्व भवनों ऊपरी तिष्ठति, सभी ब्रह्मांडों के सभी भवनों के ऊपर विराजमान है, और वो सिंहासन पर बैठा है जैसे राजा होते, राजा बैठते हैं, राजा के समान है देखने में, मनुसदृश्य है, और वहां से गति करके आता है। अच्छी आत्मा जो नेक दृढ़ भक्त होते हैं उनको मिलता है, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराता है, और वो परमात्मा एक कवियों की तरह आचरण करता हुआ, एक प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि प्राप्त करता है, और स्थान स्थान पर जाकर ऊंचे शोर में गरज गरज कर अपनी वाणी को स्वयं ही कहीं खड़ा होकर के बोलने लग जाता है, और अपने महिमा की वाणी को लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, वाणी के माध्यम से वो बोल बोल कर गा के सुनाता है, जिस कारण से एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक प्रसिद्ध कवि कहलाता है, लेकिन वो भगवान होता है, वो समरस होता है। तो ये क्वालिटी किसके अंदर है, ये तो वेदों ने बताया, और फिर के भगवान मनुष्य सदृश है, वहां से चलकर आया, तख्त पर बैठा है, सिंहासन पर बैठा है, और जिन महापुरुषों के दास ने नाम गिनाए, एक बार फिर नाम गिनाता हूं, क्योंकि ऐसे महापुरुषों के बार बार नाम लेने से भी हमारी आत्मा शुद्ध होती है। आदरणीय द्रवदास साहेब जी, आदरणीय मुलुकदास साहेब जी, आदरणीय नानक देव साहेब जी, आदरणीय दादू साहेब जी, आदरणीय गरीबदास साहेब जी, गांव छुड़ानी जिला जजर हरियाणा वाले, आदरणीय घीसादास साहेब जी, गांव खेखड़ा जिला बागपुर उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले,
अपनात्माओं, दास जिन महापुरुषों के नाम गिना रहा है, आप ये ना समझना कि जहाँ ये राह करते वहाँ बड़ी भक्ति होगी, वहाँ कख नहीं किसी के पास। कई भक्त इस भूल में धक्के खान चले गए, वहाँ कोई छुड़ानी चला गया और उनका जब देखा हाल फिर आया वापस। तो पुण्यात्माओं, क्योंकि हम पहले या भटक चुके हो, अब बार बार ना भटकना, इसलिए दास आपको आगाह करता है। ये संत महापुरुष खड़े हुए, लेकिन वो भी उस महापुरुषों के इस ज्ञान से परिचित नहीं है। इन महापुरुषों ने फिर यही बताया, क्या बताया, जैसे नानक साहब ने कहा, धर्मदास जी ने तो कलमे तोड़ रखी है, पूरा कबीर सागर लिख रखा है भगवान कबीर साहब के बारे में कि ये पूर्ण परमात्मा है। मैंने सचखंड में जाकर देखा, वहाँ सिंहासन पर विराजमान थे, बड़ा तेजोमय शरीर था इन्हीं का, फिर वही मुझे फिर यहाँ मथुरा में मिले दोबारा आकर के, लेकिन यहाँ उनका तेज इतना नहीं था जितना सतलोक में था। तो ये भी गरीबदास साहेब जी कहते हैं कि तेज पुंज अन्य दे धरकर इस विधम को भेंट ही, हल्का तेज पुंज का शरीर बनाकर वो यही वेद बताते हैं कि वो अपने शरीर को सरल करके वो परमात्मा यहाँ प्रकट होता है, आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। तो इन्होंने क्या बताया है, जैसे धर्मदास जी ने कहा कि आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, सतलोक से चल कर आए, सतलोक से चल कर आए, काटन काल की जंजीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। मतलब दास जी ने कहा है, जपो रे मन परमेश्वर नाम कबीर, जपो रे मन साहेब नाम कबीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, सुर नर मुनि जन सब थकत बहे हुआ रुक गया दरिया नीर, जपो रे मन साहेब नाम कबीर, दोनों दीन का झगड़ा ठन गया, दोनों दीन का झगड़ा ठन गया, टोहा ना पाया शरीर, जपो रे मन साहेब नाम कबीर। दास मलूक सलूक कहत है खोजो खसम कबीर, मन जपो रे मन परमेश्वर नाम कबीर। नानक साहब जी कहते हैं, हाई सूरत मलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठक्की देश, खरासी आना बोता वार, ये धानक रूप रहा करता। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रश्न नंबर 24 पन्ने पर ये वाणी अंकित है कि एक सवान दुई सवानी नाल भलके भोकाई, सदा ब्याल कोड़ छुरा मूठा मर जूठा मरदार, और ये धानक रूप रहा करता। हाई सूरत मलुक की वेश, फिर नानक साहब जी कहते हैं, तेरा एक नाम तारे संसार में, एहो आस एहे आधार, ये धानक रूप रहा करतार। फाई सोत मलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरासियाना बोता वार, ये धानक रूप रहा करतार। और प्रश्न नंबर 731 पे कहा है कि नीच जात परदेसी मेरा छिन आवे तल जावे, और जाकी संगत नानक रंदा कैसे मोड़ा पावे। गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रश्न नंबर 721 पर लिखा है, एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे अपरवरदिगार, नानक बुगोयत जन तेरे चाकरा फाका। तो फिर आदरणीय दादू साहिब जी ने कहा है, जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सृजनहारे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, जब वो 10 वर्ष की आयु के थे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म
विक्रमी संवत 1774 में हुआ और सन 1717 में, और 10 वर्ष की आयु जब हो चुकी थी संवत 1784 और सन 1727 में, वो परमेश्वर जिसकी महिमा का गुणगान वेद बताते हैं वो कैसी लीला करता है, गरीबदास साहेब जी की थोड़ी सी जानकारी देंगे आपको, क्योंकि हमारे सिद्धातम मार्ग में इन महापुरुषों का एक विशेष योगदान है सभी का, लेकिन इनमें से गरीबदास साहेब जी को परमात्मा ने अपनी योजना अनुसार पुनः वो सत्य ज्ञान दिया है जो अन्य संतों को तो दिया था लेकिन उनकी वाणी सभी संग्रह नहीं हो सकी, या गरीब धर्मदास साहेब जी को दिया था कंप्लीट, उसने लिखा ही था साथ बैठ के, जैसे आदरणीय नानक साहेब जी की सारी वाणी गुरु ग्रंथ साहब तक नहीं पहुंची, नहीं लिखी गई, उसमें बहुत सी वाणी कहीं कहीं रह गई, एक प्राण संगली नाम की पुस्तक है उसके बारे में भी कहा है कि पूरी की पूरी नानक साहेब जी की वाणी थी, उसमें 160 अध्याय थे, 80 ही लिए गए, बाकी कुछ रह गए किन्हीं कारणों से, वो लंबा विषय है फिर बताएंगे। तो इस कारण से इस विशेष अध्यात्म ज्ञान को समझने के लिए विशेष योगदान है आदरणीय गरीबदास साहेब जी गांव छुड़ानी जिला जद्दर वाले का, क्योंकि परमात्मा को मालूम था, जैसे काल ने कहा था कि आप कबीर नाम से अपना ज्ञान प्रारंभ करोगे और मैं आपके ही मार्ग में आपके ही पंथ में अपने 12 दूत भेज दूंगा, आपके ज्ञान को खराब करेंगे और कबीर पंथी को आया करेंगे, नाम सारे गलत देंगे, तेरे ही अनुयायियों का मैं भट्ठा बैठाऊंगा। तब परमात्मा ने कहा था ठीक है तो अपना काम करिए मैं अपना करूंगा। फिर परमात्मा ने कबीर सागर के अंदर कबीर बानी एक चैप्टर है उसके प्रश्न नंबर 134, 35, 36 और 37 पे ये स्पष्ट किया है कि गरीब दास जी का बर्मा पंथ होगा, संवत उसमें गलती से संवत 1775 लिखा है, वहाँ 74 होना चाहिए, मिसप्रिंट है, कि उसमें जो आएगा भक्त संत जो उसका मुखिया होगा उसके माध्यम से मैं अपनी महिमा की वाणी को पुनः प्रकट कराऊंगा, लेकिन उस गरीब दास पंथ वाले भी उससे परिचित नहीं होंगे, असंग जन्म तक वो मेरे इस ज्ञान को समझ नहीं सकेंगे। जैसे काल ने कहा था द्वादश पंथ करूँ मैं साझा और नाम तुम्हारा ले करूँ आवाजा, 12 पंथ चालू करूँगा तेरे नाम तक, परमेश्वर से कहा था, और द्वादश पंथ नाम जो ले ही सो मेरे मुख में आन समोई और अनेक पंथ चलाऊँ, उनसे न्यारे राधा स्वामी धन धन सतगुरु जय गुरुदेव और ये ठाकुर जी दनोदवाड़ा ताराचंद, ये और अनेक पंथों में से हैं, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं, जोग जीत जाओ संसारा जीव ने माने कहा तुम्हारा। तो इसलिए परमात्मा ने कहा था कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई और काल फंद छूटे नरलोई सकल सृष्टि परवाने खोई, ये तो उन्होंने बता दिया कि बारहवें पंथ में मेरी महिमा की वाणी प्रकट होगी, उसके बाद फिर उस बारहवें पंथ में हम ही चलावें और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावें। तो परमात्मा ना ये दास भेज दिया पुण्यात्माओं, गरीब दास पंथ में ही दास का से ही निकास हुआ है। फिर क्या बताया है कि कलयुग बीते 5500 तब ये मेरा वचन होगा साचा, कलयुग बीत जावे जब एता और सब जीव परम पुरुष पद चेता, ओए है 5500 जब वर्ष बीत जाएंगे उस समय ये मेरी बात सत्य होगी कि मैं बर में पंथ में स्वयं आऊंगा, सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलाऊंगा। अपने आत्मा थोड़े से दिन की बात है, बुद्धिमान समाज है, अभी तक उनके पास यो ज्ञान पहुंचा नहीं है और पहुंचने लग रहा है, परमात्मा तो दयालु है, घर घर टीवी लगा दिए, मोबाइल बना दिए, इनमें चिप डलवा लो, सीडी बैठ कर देख लो,
पुस्तक पढ़ लो, टीवी देख, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो मार्ग से अपने बच्चों तक यो पहुंचा के छोड़ेंगे, और जब उनको ये समझ में आएंगे, हाय हाय, ऐसे आएंगे दौड़कर और सब एक हो जाएंगे, सबका मोक्ष होगा, सब यहाँ भी सुखी होंगे और सतलोक जाएंगे, जहाज भर भर कर भगवान आपको सतलोक छोड़ का होगा। यहाँ जो प्रसंग चल रहा है कि गरीब दास जी जो हैं, इनका विशेष योगदान, इसलिए इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री सुनाऊंगा ताकि आपको परमात्मा पहचानने में आसानी होगी। सभी वेद बतावें और सभी परमात्मा प्राप्त संत गुण गावें तो फिर भगवान के पहचानने में आपको धोखा नहीं होगा, देर नहीं लगेगी और दृढ़ हो जाओगे। फिर चाहे कोई ब्रह्मा विष्णु महेश आकर भी आपको भ्रमित करने की चेष्टा करेगा, आप उनकी बात को मान नहीं सकते। दास आपको इतना दृढ़ करना चाहता है। गरीबदास जी की थोड़ी हिस्ट्री सुनाऊंगा यहाँ, उनकी जीवन लीला थोड़ी सी सुनाऊंगा, वह पर्याप्त होगी आपके लिए। गरीबदास जी गांव करौंथा, जहाँ अपना आश्रम है, सबसे पहले हमने 1999 में वहीं से स्टार्ट किया था। 2006 में करौंथा कांड इन दुष्ट लोगों ने कर दिया था, वो उधर कोई बात नहीं, हम परमात्मा ने हमारा यहाँ सफलता कर दी। हमें तो अपना प्रचार करना है, चाहे कहीं जंगल में बैठ कर गुणगावा, भगवान के बच्चों तक ज्ञान पहुँच जाना चाहिए। तो करौंथा गांव के वो मूल निवासी थे, उनके पिताजी, और वो ब्याहे थे गांव छुड़ाणी, जिला झज्जर हरियाणा में, और गांव करौंथा है जिला रोहतक में। तो यहाँ उनके नाना के छुड़ाणी के अंदर, यानी गरीबदास जी की माता का कोई भाई नहीं था, जिस कारण से उनके नाना जी ने उनके पिताजी श्री बलराम जी को, उनका धनखड़ गोत्र है, अपने घर पर छुड़ाणी में घर जमाई बोलते हैं कि अपने जमाई को वहाँ रख लेना, उसको घर जमाई कहते हैं। तो सारी संपत्ति उनको दे दी, अपनी बेटी को यानी उसके दामाद को, उनके लगभग 2,500 बीघा, जैसे राजस्थान में बीघा होता है, तो 2,500 बीघा, पहले बीघा ही था यहाँ पर भी, ये बाद में ये बनी है यहाँ पर एकड़, तो 2,500 बीघा जमीन था, इतना बड़ा किसान थे। आज के 1400 के करीब, 1450 के करीब एकड़ जमीन बनती है उन 2,500 बीघा की। तो सारी संपत्ति के वारिस फिर गरीबदास जी ही थे। 10 वर्ष के बालक थे, उनके पिताजी यानी नाना जी तभी तक वहाँ साथ ही थे, तो उनके वहाँ लगभग 150 गौवें थी चरागा, क्योंकि अपने खेत बहुत बड़े थे, गौवें रखते थे। गरीबदास जी उन गौवों के पाली जाया करते थे चराने के लिए जंगल में। उनके साथ में अन्य गांवों के कुछ उनके किसान के यहाँ जो किराए पर पाली होते थे, और कुछ अन्य गांव वाले भी अपने गौवों को उनके खेतों में चराने के लिए साथ चले जाते थे। संवत 1784 यानी सन 1727 और फागुन उतरते की द्वादशी यानी फागुन सुदी द्वादशी को दिन के लगभग 10 बजे सभी गौवें चर रही थी, कोई बैठी हुई थी वृक्षों के नीचे, जांडी उस साइड में जैसे राजस्थान के अंदर जांड होते हैं ना, जांडियाँ, ऐसे ऐसा ही स्थिति थी उस अक्षेत्र की उस समय, जो आज बहुत से अक्षेत्र में राजस्थान के अंदर, तो वहाँ जांडी ज़्यादा होती थी। उन जांडियों के पास बैठी थी, और एक रास्ता है गांव कबलाना है, छुड़ाणी की सीमा से सटा हुआ, गांव कबलाना से गांव छुड़ाणी में कच्चा रास्ता आता था। उस कच्चे रास्ते के ऊपर एक बड़ा पेड़ था जांडी का, उसके नीचे सभी पाली बैठे हुए थे, इंक्लूडिंग गरीबदास जी, और वो भोजन खा रहे थे, अपना 10 बजे से भोजन खा रहे थे। उसी समय परमात्मा सतलोक से आए कबीर देव, एक जिंदा महात्मा का वेशभूषा बना के,
कलयुग के अंदर वो जिनको मिले हैं, जिंदा जैसे जिंदा महात्मा कैसा होता है, मुसलमानों के अंदर विशेषकर इस वेशभूषा के फकीर पाए जाते हैं। सिर पर काला टोप होता है, ऊंचे से चुंडे का नू ऐसे खड़ा सा, और एक ही ओवरकोट होता है काले कपड़ों का, काले कलर का ओवरकोट टाइप एक वस्त्र पहनते हैं, और एक अंडरवियर कच्छा घुटनों तक का। ऐसी वेशभूषा वाले को जिद्दा महात्मा कहते हैं। दाढ़ी केस बड़े हुए होते हैं उसके। इस वेशभूषा में परमात्मा थोड़ी सी दूर पर सतलोक से आकर उतरे, और उस रस्ते कच्चे रस्ते जा रहे थे, साथ में पाली बैठे थे, गरीबदास जी भी बैठे थे। उन पालियों में बड़े भी थे, कोई 40 वर्ष का, कोई 30 वर्ष का, कोई 10-15 वर्ष का, कोई 50 वर्ष के वृद्ध भी थे, प्रौढ़ भी थे। तो उसमें एक विशेषता थी, रस्ते चलते थे, साधु संत का तो आदर था ही था, आम व्यक्ति को भी विशेष रिगार्ड दिया करते थे और प्रार्थना करते थे, आओ जी भोजन पालो, दूर से चलकर आए हो, पैदल चल रहे, आओ महाराज बैठो भोजन पाओ। खड़ा हो गया एक आध भक्त और हाथ जोड़ दिए, परमात्मा तो आए उसी लिए थे, बैठ गए उनके पास। तब कहा जी भोजन पाओ, परमात्मा ने कहा, कबीर परमेश्वर ने, उस परम अक्षर ब्रह्म ने, कि भाई भोजन मैं खा के आया हूँ अपने गांव से। पालियों ने पूछा आपका गांव कहाँ है महाराज, आपका डेरा कहाँ है, कि मेरा डेरा सतलोक के अंदर है, सतलोक नाम है मेरे डेरे का। अब उनने सोचा भी होगा कोई गांव सतलोक नाम होगा उसका, तो महाराज जी भोजन खाओ। परमात्मा बोले भोजन नहीं खाऊं मैं, छक्का छक्का हुआ भी खा के आया, तो दूध तो पीना ही पड़ेगा अपने, हमारे पास ऐसी गवें हैं, अभी 5 मिनट में दूध निकाल देंगे, ऐसी शरीफ गायें भी हैं। तो परमात्मा बोले भाई अगर दूध पिलाते हो तो कुंवारी गायें का दूध पिया करूं मैं। तो सभी कहने लगे बाबा जी तेरा दूध पीने की नीत नहीं है, आप तो मजाक करते हो, उपहास कर रहे हो हमारा, आप दूध पीना ही नहीं चाहते। परमात्मा कहते पीना चाहता हूँ, निकालो कवारी गाय का दूध पीता हूँ भाई मैं। तब गरीबदास जी खड़े हुए, उनकी एक प्रिय बछिया थी जिसको अभी बैल ने टच नहीं किया था, दूध पीना माँ का छोड़ रखा था, लगभग 1-1.5 वर्ष की बछिया हो चुकी थी, 1 वर्ष की, 1.5 वर्ष की, उसकी गले के रस्सी बांध रखी थी, उसको ला पकड़ के कहा देखो महाराज जी इसके बच्चा तो है ही नहीं, दूध कैसे देगी। परमात्मा बोले कोई एक पात्र लाओ जिसमें दूध निकालेंगे, ये दूध देगी भाई। अब वहाँ एक मिट्टी का बर्तन था, जैसे जल पीने के लिए या लस्सी पीने के लिए ले जाते थे, उसको साफ करके रखा हुआ था। तो उसको कहा कि ये रखा जी पात्र, कहने लगे इसको फिर दो दो एक बार अच्छी तरह, फिर दो दिया साफ करके, इसके नीचे रखो गाय बछिया के, बछिया के नीचे। गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक पर तगड़े हो जाते थे, पकड़ कर बैठ गए, हंस रहे हैं, देख रहे बाबा जी कैसे दूध निकाल लेगा। अब परमात्मा ने बछिया के कमर पर थपकी मारी, लंबे लंबे स्वतन हो गए और दूध की धार बैत ली। जब वो पात्र भर गया अपने आप दूध बंद हो गया। गरीबदास जी हैरान कि बाबा जी बड़ा शक्ति वाला है, अगले महाराज जी फिर पी लो आपने निकाला। कुछ दूध परमात्मा ने पिया, फिर उन पाली उपस्थित थे बड़े छोटे जितने भी थे, उनसे से कहा कि बेटा बच्चों पी लो, ये दूध यहाँ का नहीं है, मेरे डेरे से आया सतलोक से, अमृत है ये पी लो। वो पाली जो बड़े वाले थे समझदार माने थे अपने आप ने, वो कहने लगे हम ना पीवा जादू जंत्र का दूध, और कुंवारी गाय का पाप लग गया मारा, अर्थ ने झूठा कर दिया कि मेरा तो कौन सी जाति का है। वो तो उठकर चले गए। कहते हैं सकल पदार्थ है जग माही, कर्म ही नर पावत नाही। गरीबदास जी बोले ला महाराज जी आपका अमृत कद कद मिला मुझे झूठा। पुण्यात्माओं ये है वो पुण्यात्मा जिनके लिए भगवान भटक रहे होते हैं, जो दृढ़ भक्त होते हैं उनका स्वभाव न्यारा होता है, उनके लक्षण अलग होते हैं। तो तुरंत गट गट जितना पीना था पियर बाकी रख दिया। तो परमात्मा ने उनको ज्ञान समझाया, सारी कहानी सुनाई। तो परमात्मा से कहा बच्चे ने कि भगवान
आप ऐसा स्थान बताते हो, क्योंकि वहां तो सारे दुख ही दुख होता था, जैसे राजस्थान रेगिस्तान ऐसे ही वह क्षेत्र था, ना कोई नहर का साधन था, उसमें दुख है दुख थे वहां पर, कभी सूखा गिर जाता था। तो परमात्मा ने बताया कि मेरा जो डेरा है बेटा, वहां पर ऐसे दूध की नदी बहती है, घी के सरोवर के सरोवर हैं, और वहाँ पर काजू किशमिश सेब संतरे सदा बाहर वृक्ष हैं, वहाँ कोई अभाव नहीं है, बहुत सुंदर लोक है। अब बालक था, प्रबल इच्छा हुई कि भगवान क्या वो लोक मुझे, मैं देख सकता हूँ? परमात्मा बोले ऐसे नहीं देख सकते, पहले आपने मंत्र लेना पड़ेगा, मेरा शिष्य बनना पड़ेगा, तभी उसमें आप प्रवेश कर सकते हो। बोला जी बना लो। क्यों कैसे बनाओगे? जैसे परमात्मा ने प्रथम मंत्र दिया और कहा बेटा अभी तेरे को सतलोक ले चलता हूँ, अपना डेरा दिखा के लाता हूँ। उस आत्मा को निकाला, ऊपर ले गए, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, धर्मराज का लोक दिखाया जहाँ बैठकर वो सबका न्याय करता है, 21 ब्रह्मांड काल के दिखाए, काल की वो तपतशिला दिखाई जहाँ 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को ये यहाँ का भगवान भून कर खाता है, जिसके लिए आपको यहाँ पाले बैठा है, रोके बैठा है, बका रखा है, आपको मूर्ख बना रखा है। और उस काल के सिर पे पैर रख के परमात्मा उसको ऊपर लेकर गए। अक्षर पुरुष का लोक दिखाया, उस पर ब्रह्म का 21 ब्रह्मांड दिखाए, फिर बर्मा द्वार पार करके सतलोक में पहुंचे, गरीबदास जी को देखे। अब वहां क्या लीला की दाता ने, वहां परमात्मा अन्य रूप में उसी शकल में एक अन्य रूप सिंहासन पर विराजमान है, सिर पर मुकुट है जैसे राजा पहनते हैं, बहुत ही सुंदर मुकुट सफेद कलर का, ऊपर एक छत्र है बहुत सुंदर सफेद कलर का, बहुत सुंदर सिंहासन जिसमें हीरे मोती और लाल लगे हुए हैं सफेद ही कलर के, वो बैठा है भगवान। परमात्मा सतलोक में बैठे भगवान के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, इतना प्रकाश है, तो उसको चरम दृष्टि नहीं देख सकती, आत्मा की आंखें ही उसको देख सकती हैं। तो गरीबदास जी ने देखा भगवान तो ये है, ये है मालिकियों बैठा तख्त पर, और बहुत बड़ा गुम्बद है उसका, जैसे मंदिर मंदिर नुमा एक बहुत बड़ा गुम्बद है, उसके सेंटर में भगवान विराजमान है। अब नीचे से जो जिंदा महात्मा के रूप में परमेश्वर कबीर जी गए थे उनके साथ, वो वहां जाकर चंवर उठा के और सिंहासन पर बैठे भगवान पर चंवर करने लगे। गरीबदास जी ने सोचा कि भगवान तो ये हर ये बाबा जी, इसका कोई नौकर सेवादार कोई इनका चेला चला होगा। इतना सोच ही रहा था तभी वो तेजोमय शरीर वाले भगवान खड़े हुए, सिंहासन छोड़ दिया और करबद्ध होकर कहा भगवान ग्रहण करो अपना सिंहासन, आपकी अब्सेंस के में आप मुझे यहाँ बैठा कर गए थे। कबीर साहब उस पर विराजमान हुए और वो तेजो में शरीर उठाकर चंवर करने लगा, जैसे शिष्य करते हैं गुरुजी पे ऐसे। गरीबदास जी ने सोचा रहे यो भगवान और चंवर करे इस पे बाबा जी पे। इतने में क्या हुआ कि वो तेजो में शरीर नीचे से गए जिंदा महात्मा के शरीर में समा गया और चंवर अपने आप घूम रहा ऊपर। इस लीला को देखने के बाद परमात्मा ने सारी कथा सुनाई, भाई मैं भगवान हूँ गरीबदास, मैं काशी में रहा 120 वर्ष, मेरा धाणक कबीर नाम था, मैं धाणक रूप में रहा करता था, जुलाहा का काम करता था, सारी सृष्टि को मैंने ज्ञान देने की चेष्टा की, लेकिन उन नकली लोगों ने अपनी चलने नहीं दी और सभी बच्चे अशिक्षित हैं। गरीबदास जी ने कहा कि भगवान मुझे यहीं रख लो, मैं नहीं जाऊँ उस गंदे लोक में। परमात्मा ने कहा बेटा जाना पड़ेगा, तेरे भाई बहन हैं, उनको कौन बताएगा मेरी महिमा, मेरा गवाह कौन बनेगा? तो गवाह बन, मैं तेरे साथ रहूँगा, कोई आपत्ति बेटा तेरे प्राण नहीं दूंगा, तू मंत्र करता रह। यानी इस प्रोसेस में, इस सारे घटना चक्कर में काफ़ी समय बीत गया।
उधर से जो पाली थे वो तो छोड़कर चले गए थे, उसको तो काफी दूर चले गए। दो तीन चार घंटों के बाद, 5 घंटे के बाद उनने देखा, उनको तब तक दाना नहीं आन दिया परमात्मा ने। उन्होंने कहा रहा है वो लड़की का लड़का कहाँ है, उसको उसका नंबर आ गया गाय घेरण का। पाली क्या करते थे, अपना समय टर्न लगाते थे कि भाई 2 घंटे तू पशुओं के साथ खड़ा होगा, हम लेटेंगे वृक्ष के नीचे। तो उसका जब नंबर आया उसको खोजा, कह रहे वो कहाँ गया, उनका तो बाबा जी के पास बैठा रह गया था, लाओ उसको बुला के। दो जने बुलाने गए, वो शरीर ऐसे बैठा है आराम से, और वो आवाज लगा रहे हैं, अरे ग्रीबू, ग्रीबदास नाम था महापुरुष का, गामों में गांव नाम बिगाड़ दिया करें, ग्रीबू कहा करते, ग्रीबू। कहने लगे ओ ग्रीबू आ जा, तेरा नंबर आ गया गाय घेर ले। निकट से आके कहने लगे ओ भगत जी खड़ा हो ले। उन्हें सोचा समाधि लाए बैठे हो, और वो बैठा शरीर शरीर टिका था उसका, पकड़ के हिलाया, कहते गए भगत जी खड़ा हो। वो गिर गए, गिर गए तो आंखें खुली हुई, सांस नहीं, वो तक एकदम अक्का बक्का रह गए। आवाज लगाई दूसरे साथियों को कि गरीबू मर गया, गरीबू मर गया, बाजाओ बाजाओ। उन्होंने कहा जाओ गांव में बताओ, सारी कथा सुनाना कि एक बाबा जी ने जंतर मंत्र का दूध पिला दिया जिस तरह मर गया हो। अब गांव में भागे गए, मात पिता का इकलौता पुत्र, वो भी 12 वर्ष शादी के बाद हुआ था, विवाह के उपरांत, और उसकी मृत्यु सुनकर दोनों अचेत हो गए, बेहोश हो गए, चक्कर खा के गिर गए। फिर गांव के अन्य लोग, उनके नाना जी साथ और भी बहुत से, जिसने भी सुना वही चल दिया गांव खेतों की तरफ। वहां से बच्चे का शव उठाकर लाए, शाम होगी, चिता पर रख दिया अंतिम संस्कार करने के लिए। तब परमात्मा ने कहा बेटा जल्दी जा, ना वो खराब कर देंगे तेरे शरीर को। गरीबदास जी को सब कुछ दिखाया, वहां से सारा दिखाई देता है, यहाँ पर चाहे चीटी देख ले चलती, वहां ऐसी दिव्य दृष्टि मिलती है। गरीबदास जी तुरंत छोड़ दिए, जा बेटा स्पीड से, 1 सेकंड के भी कुछ अंश में आत्मा में प्रवेश कर दिया गरीबदास साहिब जी को। ऐसे जब चिता पर लोग बैठे हुए थे, उनका जैसे बांध कर ले जाते हैं ना, उस अर्थी के ऊपर रस बांध लेते हैं, रस्सा कहीं गिरना जा रास्ते में, वो नौका ने रखा ही था, इतने में उठ गए और वो बंधन अपने आप टूट गए, खुल गए, और खड़ा होकर 10 वर्ष का बालक देखता है तो वह कहाँ गया, जैसे सरप्राइज सा होता है उसको, उसकी भाषा बदल गई, उसका विचार बदल गए, बुजुर्गों जैसी बातें करने लग गया और ये बानी सुनाने लग गया। अब जिससे भी बात करे ये अमर बाणी बोल कर बात करे, गांव वाले इस वाणी से परिचित नहीं थे और अपने आप बोलते रहते थे, कहीं खड़े होकर के बच्चों में बैठ जाते, बच्चों में ये कहानी सुनाने लग जाते। अलल पंख अनुराग सुन मंडल रथीर, दास गरीब उधारिया सतगुरु मिले कबीर। तो सारा गांव उसको कहने लगे लड़का पागल हो गया, एंड बैंड बोल रहा है, इसकी भाषा समझ में नहीं आती, पागल हो गया, मेंटल हो गया ये। उसको पागल कहने लगे, गांव में बावलिया कहते हैं, बौड़ा, उसको बावलिया कहने लगे। बावलिया नाम पका दिया उस परम पिता की प्यारी आत्मा का, उन तत्व ज्ञानहीन प्राणियों ने। कहते गरीबदास जी को भी बावड़ा बता के कर ले दुनिया सैनी का। अब तो उन्होंने ये संतोष हुआ मात पिता को और गांव वालों को कि भी कोई बात नहीं, पागल तो हो ही गया यूं, फिर भी इसकी माता या लड़की अपने इस पागल ने देख के इसके साथ अपना जीवन संतोष कर लेगी या मरे नहींगी इसके वियोग में। शुक्र है भगवान का, जीवित तो हो गया, पागल होया सो हुआ। इस तरह 3 वर्ष बीत गए। एक दादू पंथी, दादू जैसे अभी अपने महात्मा दादू जी का जिक्र किया दास ने, कि उनको भी भगवान मिले थे गरीबदास कबीर साहब 7 वर्ष की आयु में, 7 वर्ष के बालक थे तब वो, और उनको भी ऐसे बनी में, जैसे गांव से थोड़ा सा बाहर जंगल होता था, यानी थोड़ा जंगल होता था, उसको बणी बोलते थे, वहाँ बच्चों के साथ खेल रहा था गरीब। परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में आए, उनसे भी ये चर्चा की। अब
परमात्मा ने अपने लोटे में सतलोक से अमृत लाए हुए थे वो रखा था। तो बात चलते चलते ज्ञान सुनाने लगे, बच्चे बड़े इंटरेस्ट से सुनने लगे। दादू जी ने कहा, भगवान वो लोक कैसा है आपका, क्या हम देख सकते हैं? कहा बेटा देख सकते हो, लेकिन दीक्षा लेनी पड़ेगी, पहले दे दो मुझे दीक्षा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मुन्नीराम, गांव है शुरू, तहसील है बिद्दासर, जिला है चूरू, राजस्थान का हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? हमने परम संत रामपाल जी महाराज से 30/10/2016 को नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप कौन सी भक्ति साधनाएं करते थे? परम संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से पहले हम रुनिचे वाले रामदेव जी की पूजा करते थे और पितृ पूजा, बहुत सारी पूजा की थी हमने, उनसे कोई हमें लाभ नहीं हुआ। सर आपने बताया कि आप रामदेवरा की पूजा और पितृ पूजा करते थे, तो उस भक्ति साधना से आपको क्या लाभ मिला? सर उनमें कोई हमें लाभ नहीं मिला। हमारी माता के ब्लड स्तन में ब्लड कैंसर हो गया और हमारी पत्नी के भी शरीर में संगठन वाला, जैसे पैरों से नहीं चल पा रही, तो हम बहुत डॉक्टरों के पास गए, उनमें बहुत पैसे लगे, फिर हमने बूटाटी लेके गए, वहाँ भी कोई आराम नहीं आया। फिर हमने देखा अभी क्या करे, कहाँ जाए, इतना दुखी हो रहे है, दर्द पे दर्द रह रहा है। माता जी के कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर, ये पत्नी के ऐसे दर्द हो गए, तो अब कहाँ जाए, हम ऐसे रुदन करने लगे। फिर हमने सोचा अब क्या करें, कोई और तो गेला है, रास्ता नहीं मिल रहा है, क्या कहाँ जाइए। अब ऐसे करते करते हम 12 महीने 2 साल ऐसे ये ब्लड कैंसर हुए बिता दिए और 10 सालों से ये हम परेशानी हो रही। मेरी माता जी को मैं बीकानेर लेकर गया PBM में, PBM लेके गया, जब डॉक्टर ने जाँचें की तो उसने बोला कि इसके ब्लड कैंसर है, तो हमने कहा उसको इलाज करो, तो डॉक्टर ने बोला कि इसके इलाज ब्लड कैंसर है, कोई इलाज नहीं होगा, बारी बारी इंजेक्शन लगेंगे और जितनी ये आपके पास रहेगी इतनी सेवा करो और कोई इलाज नहीं। तब हम प्राइवेट लेके गए, तो प्राइवेट वालों ने जांचें की और के उसने भी कह दिया कि घर ले जाओ और सेवा करो, ब्लड कैंसर है, कोई इलाज नहीं, कहीं इलाज नहीं है, बारी बारी इंजेक्शन लगेंगे और कुछ भी नहीं होने वाला है। फिर हमने गाँव आगे, फिर पास वालों ने पूछा अब कहाँ जाइए, माता जी ब्लड कैंसर, हमने लाखों रुपए लगा दिए, कहीं इलाज नहीं हो पा रहा है, अब हम कौन सा मार्ग ढूंढे। देवताओं को और पितरों को पूज के ये दर्द हमने बहुत बढ़ा ली, कोई फायदा नहीं हुआ। फिर भगतमती को पैरों में दर्द हो गया, तो अब क्या करें, इसको ले जाएं, इसको ले जाएं, किसको ले जाएं पहले। फिर किसी ने बोला कि तुम बूटाटी जाओ, तो मैं बूटाटी लेके गया, बूटाटी लेके गया, वहाँ भी फेरी वेरी लगा के आए, वहाँ से कोई आराम नहीं मिला। ऐसे करते करते ये समय बहुत बीत गए, बहुत पैसे लगे, सारी जगह डॉक्टरों के पास हम फिर लिए, पितरों की पूजा कर ली, देवताओं की पूजा कर ली, कोई हमें लाभ नहीं मिला। सारी जगह भटक के फिर सिर मार के बैठ गए, हम अब कहाँ जाए, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। सर आपकी माता जी को ब्लड कैंसर हो गया और आपकी पत्नी भी बीमार रहने लगी और आप सभी जगह भटके, आपको कोई आराम नहीं मिला, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर हमारे पड़ोसी गांव में तेंदेसर गांव का नाम है, उनमें भगत है, वो हमारे कुएं पे आए, उसने बोला और कोई जगह नहीं है, आप सारी जगह भटक लिए, पितरों के पास भटक लिए, देवताओं के पास फिर लिए, डॉक्टरों के पास फिर लिए, तो आप ऐसा करो, परम संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, परमात्मा सैन श्री, उससे दीक्षा लो और आपके सर्वे कष्ट निवारण हो जाएगा। फिर मैंने कहा तो कैसे जाएंगे वहाँ, क्यों हमारे पास चलो। वहाँ रतनगढ़ आश्रम में आए, नामदान केंद्र पे, नामदान केंद्र पे आए तो रास्ते में बहुत परेशानी हुई, क्यों हमारे माता जी की ब्लड कैंसर था, वो इतनों में बहुत इतना बड़ा हो गया, बाहर निकल गया, ऐसे बहुत मालूम बैठ नहीं पा रही वो गाड़ी के अंदर। फिर धीरे 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 हम 2-3 घंटों से रतनगढ़ पहुंच गए नामदान केंद्र पे, वहाँ आके उसको बोला, रात की 12 बज गई, उस भक्तों को बोले कि भी हमारे यह परेशानी है और इसको नाम दिला दो।
नाम दान देते देते ही शरीर में ऐसा झटका लगा, एकदम आराम आ गई, तुरंत जाने जैसा शरीर में कोई तकलीफ नहीं है। वो नाम दान लेके हम दूसरे कमरे में बैठा दिए। तो मैंने मेरी माताजी से पूछा, क्या माताजी कोई तकलीफ हो रही? क्यों नहीं है, वो कोई तकलीफ शरीर में, कोई कष्ट नहीं है हमारे, हम एकदम ऐसे स्वस्थ है जैसे ऐसे हाथ फेरे तो क्यों हमें दर्द भी नहीं हो रहा है। फिर मैं धीरे धीरे आराम से गांव गया, रस्तों में कोई भी तकलीफ नहीं हुई। भक्ति करते 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 ऐसे ऐसे होते एकदम आराम आ गया। कोई ऐसे धीरे धीरे वो बैठने लगी, वो गांठ थी इतनी बड़ी, वो सारी की सारी ऐसे धीरे धीरे खत्म हो गई। खत्म होते होते हुए भी एक दिन भी ऐसा आ गया, कोई जैसे गांव से आए हुए, उसने बोला कि आप ऐसे ऐसे भक्ति करते रहे, ऐसे करते रहे, वहाँ कैसे गए? हमने कहा हमें ऐसे मत बोलो, हाँ परम संत रामपाल जी मिल गए, हम कहीं नहीं जाएंगे उसको छोड़ गए। तो मेरी माता जी की ऐसी भावना आ गई कि वो सारी जगह भटक लिए तो यहाँ कैसे ठीक हो जाएंगी। तो मैंने कहा माता जी ऐसे नहीं बोलना, परमात्मा परम संत रामपाल जी महाराज आए हुए, सब दुखों का निवारण करेंगे। तो इसके ऐसे भावना होगी गलत। तो धीरे 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 एक दिन ऐसा आया हुआ जम के दूत आए, ऐसे लंबी लंबी मातों दो दो एक एक सींग। माता जी आप सो रही थी, मैंने कहा क्या माता है, क्या बात है माता जी? क्यों हम अब जा रहे, हमें नहीं छोड़ेंगे। तो हमने एक परम संत रामपाल जी महाराज के रक्षा मंत्र है वो मंत्र हमने पढ़ा है। तो जम के दूत ऐसे भागे जूं कोई सिमानी बहुत तेज गति से भागी, तीन बार भागी दिन में, चौथी बार में हमारी माता जी को वो लेकर चल गई। लेकर चल गए तो हमारी माता जी डेढ़ दो घंटों से आई वहाँ ले गई धर्मराज के पास। तो वह सिर्फ बहुत लंबी लाइन लग रही है, जीव जब खत्म होता है तो दूत आते हैं वो सारों को सारों ले जाके धर्मराज के पास लाइन लगा देते, वहाँ लाइन लगाते, लाइन में खड़े रहते। वहाँ माता जी ने बोला कि बहुत जोर जोर से मार रहे, पीट रहे, वहाँ तपतशिला बन रही है, वहाँ जीवों की बहुत हाय तबा मच रही है वहाँ। तो वहाँ गुरु जी प्रकट हो गए, मेरी माता जी को वहाँ से छुड़ा के और लेके आए। हम घर पे ही थे, हम ऐसे माता जी को लिए बैठे थे, हम कह नहीं गए, लिए बैठे हम सुमरण कर रहे परमात्मा, जो परम संत रामपाल जी महाराज ने हमने प्रथम मंत्र दिया उसका जाप कर रहे। ऐसे झटका लगा, उसके हाथ पैर सारे कलडे हो गए, ऐसे जो लोहे का सरा होता है वैसे हो गए। दो घंटा डेढ़ घंटा बहुत होता है। फिर बाद में हमारे माता जी शरीर में आ गई, शरीर में आते ही बोला कि वो ये लोग गंदे लोग है, बहुत गंदे लोग है, यहाँ कष्ट ही कष्ट है और हमें सुला दो। तो हमें उसको लेटा दी, लेटाने के बाद में क्यों हमें बोला कि वो थोड़ा जल पिलाओ, तो जल पिलाया, क्यों वह खाट है वो अंदर डाल दो। तो हमने कमरों में ले जाके सुला दी। परम संत रामपाल जी महाराज सह शरीर में प्रकट हुए हमारे घर पे, प्रकट होके माँ के सारे शरीर पे हाथ ऐसे फेरे कि बेटा ये लोग अपना नहीं है, यहाँ कष्ट ही कष्ट है, अपना सतलोक जाना है, ये भक्ति करो, कोई दर्द नहीं है। ऐसे बहुत बातें कह के वो परमात्मा अंतर्ज्ञान हो गए। फिर मैं बीकानेर लेके गया, बीकानेर लेके गया तो मैंने जांच करवाई। मैंने बोला डॉक्टरों को इसके बड़ी से बड़ी जांच कर दो। उसने MRI और CT स्कैन बहुत बड़ी बड़ी जांचें की, जांचें करके देख के ही बोला ये जांचें सही नहीं हुई है, ये गलत है। तो हमने बोला हम और करा लेंगे। फिर हम दूसरी जगह गए और जांच करवाई, तो उनमें बोला कि इसके कैंसर है ही नहीं। तो हमने कहा तो कैंसर नहीं है तो आप दवाई क्यों चालू कर रखी है, हल्का बहुत से किया हुआ था, मैं कि इसे ये क्यों किया कि वो पहले था तो हम कहाँ गए? तो उसने कहा हमें मालूम नहीं। तब हम वहाँ से आगे दवाई लेके आगे घर पे और हमने भक्ति चालू कर दी। 30/10/2016 को नामदान लिए और धीरे धीरे भक्ति करते करते हम एकदम कोई हमारे घर में कोई तकलीफ नहीं रही। फिर एक धीरे धीरे चमत्कार और हुआ, हमारा एक 5 साल का बच्चा है, उसके पेट में दर्द होने लग गया, पेट में दर्द होने लग गया। जब पिताजी ने वो बोला पिताजी हमारे पेट में बहुत दर्द हो रही है, जब पिताजी ने कहा यहाँ गुरु जी बैठे हैं वहाँ जाके दंडवत प्रणाम कर लो, तो वो बच्चा वहाँ अंदर जाके दंडवत प्रणाम की, जहाँ परम संत रामपाल जी महाराज की हमारे वो फोटो लगी हुए वहाँ प्रणाम करके खड़े हुए। तब गुरु जी ने कहा, परम संत रामपाल जी महाराज ने
कहा बेचा लेट, वो लेट गया तो ऐसे दबाया जोर से, दबा के बेटा अब आपके पेट में दर्द कभी नहीं होगा। वो ऐसे बोल के वो बच्चा भाग के आए, पिताजी गुरुजी अंदर आए हुए, परम संत रामपाल जी अंदर आए हुए, गुरुजी पिताजी भाग के अंदर आए। जनकियो कहाँ है बेटा, क्यों है? तो गुरुजी तो भागे, जब पिताजी ने हमारे कमरे में फोटो लगी हुई थी, क्यों इनमें था कौन सी में था? तो वो बच्चे ने बोला क्यों नहीं, इस फोटो वाले में इसमें नहीं था, जो सुबह के नीति नियम, दोपहर की रमेणी, संध्या आरती होती है, जो टेलीविजन में आते वो गुरुजी थे। तब पिताजी ने ऐसे हाथ जोड़ के बंदी छोड़ की जे जे बोल दी। हम आए शाम को तो पिताजी ने कहा भी आज ये ऐसा काम हुआ और सर बहुत ही चमत्कार हुए। फिर 12 फरवरी 2018 को हमारे पत्नी के पैरों में दर्द हो गया। हम 2-3 आदमी ऐसे उठा के ले जाते, पेशाब कराते, पानी पिलाते, नुहाते, सारा काम कराते। ऐसे करते करते लगभग 1 महीना बीत गया। तो डॉक्टरों को दिखाया हमने, तो डॉक्टरों ने दिखाया तो डॉक्टरों ने कहा उसमें कोई जांच में तो कोई दर्द नहीं आ रहा है, अब इसके तकलीफ क्या हमें कोई मालूम नहीं है, कहीं ले जो। हम डॉक्टर ने छुट्टी दे दी, तो हम कहाँ जाए, हम घर आ गए। फिर मैंने धीरे धीरे वहाँ 12 फरवरी 2018 को परम संत रामपाल जी महाराज के वो तारीख थी, तब हम गाड़ी लेके हिसार गए। हिसार जाने के बाद में हमने ऐसे किया, हमने पुलिस वाले जाने नहीं देते, हम पिटाई करते कि कैसे आ गए, हम कहते हम कैसे नहीं आए, हम परम संत रामपाल जी महाराज के दर्शनों के लिए आए, हम कोई ऐसे गंदे नाम काम नहीं करते, हम कोई जबरदस्ती नहीं करते, आप पीटे हो तो आपकी बहुत भारी गलती, ऐसा काम जुलूम मत करो। तो उसने बोला ठीक है बैठ जाओ। तो हम वहाँ बैठ के टाउन पार्क के पीछे बैठ गए, बैठे बैठे हम लगभग 2 घंटा हो गए, तो परम संत रामपाल जी महाराज ऐसे आए, आके हमारी पत्नी वहाँ बैठी थी, तो आके आशीर्वाद दिया हमारी पत्नी यही है, बोलो बुला सको आप, ये बाहर बैठी है बुला सको, आके आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देते ही वो दंडवत प्रणाम की उसने, दंडवत प्रणाम करते ही हमने सारे दंडवत प्रणाम कर ली। वो फिर 4 बार दंडवत प्रणाम की, कम से कम मान लियो 100 मीटर पीछे भागी, परम संत रामपाल जी महाराज के 100 मीटर पीछे भागी 4 बार दंडवत करके। हम तो ऐसे बैठे रहे बैठे रहे, फिर वो परमात्मा अंतर ध्यान हो गए, परम संत रामपाल जी महाराज अंतर ध्यान हुए, तब ऐसे ऐसे उसे देख कर बस मैंने बोला क्या हुआ, क्यों गुरु जी आए परम संत रामपाल जी महाराज, अरे वो कहाँ गए? तो मैंने बोला परम संत रामपाल जी महाराज अपने पास ही है, आप इससे क्यों कर रही हो, आ जाओ बैठ जाओ यहाँ। तो हम यहाँ बैठा दी। नमस्कार माता जी। नमस्कार माता जी, आपके बेटे ने बताया कि आपको ब्लड कैंसर हो गया था, क्या यह बात सही है? सही है, मतलब उसके बात बताइए सही है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी माता जी का ब्लड कैंसर ठीक हो गया और आपका जीवन सुखमय हो गया, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? तो हमारे साथ ऐसा हुआ, इतना दुख था, वो परमात्मा ने सारों के सारे इतना करना साहब दो सारा का सारे मेर दिए, ऊपर मेघ मार दी परमात्मा ने, इसलिए आप सभी आए और परम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके और अपना कल्याण आत्म कल्याण करवाए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर नाम दीक्षा तो संत परम संत रामपाल जी महाराज के जो टीवी चैनल, बहुत सारे टीवी चैनल चल रहे है, उनमें एक पट्टी चल रही है, उन पट्टी में नंबर आ रही है, वो उन नंबरों से आप संपर्क करोगे, वहां से संपर्क करोगे तब वो अपने पास वाले नजदीक में जहां नामदान केंद्र खुला हुआ है उन वो बताएंगे, तो वहां जाके नामदान ले सकते हो। धन्यवाद जी। सत साहिब।